धन्यवाद रामदास अठावले जी। कविता सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर यहाँ सभी पार्टी के लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं और मैं भी, मेरी पार्टी जो आरपीआई है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने स्थापित की हुई पार्टी है, इस पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण का सपोर्ट करने के लिए, ये अभिभाषण देश के विकास के लिए ये अभिभाषण है, समाज को जोड़ने के लिए भाषण है, सभी पार्टियों को साथ लेकर देश का विकास करने के लिए भाषण है। लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियां होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक है। इसी तरह की भूमिका अभी यहाँ आनंद शर्मा जी ने रखी है, वो कांग्रेस के नेता है, मैं भी कांग्रेस के पार्टी के साथ कई साल में रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी का भी मुझे अनुभव है। अभी बीजेपी का भी मुझे अभी अनुभव है, तो सभी पार्टी के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। मतलब लोकतंत्र में संबंध अच्छे रखना ही चाहिए। हमारे एक खड़गे साहब है, उनको अपोजिशन लीडर बनाया कांग्रेस ने, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन जब कर्नाटक में मौका आया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाने का, तब उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं। मतलब मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता थी, मतलब अपोजिशन लीडर आपने बनाए, ठीक बात है, नहीं ठीक है, मतलब ना, तो मतलब ऐसे वो इतने कैपेबल थे। प्रेसिडेंट मोशन थैंक्स पर बोलना है, उस पर बोले बोलता हूँ। तो नहीं, खड़गे साहब, मैंने एक खड़गे साहब हमारे दलित समाज के बहुत एक्टिव लीडर है, वो कांग्रेस में हो या मैं आरपीआई में हूँ, लेकिन हमारी मित्रता है। उन्होंने गुलबर्गा में एक बहुत ही बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर भी खड़ा के किया है, उनके बारे में हमको आदर है, और इसीलिए मतलब उनको जब मौका मिला था तब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया, इसीलिए मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया। मतलब आपने भी छोड़ना चाहिए, लेकिन आपने नहीं छोड़ा, नहीं ठीक है। तो इसीलिए हम सब जो लोग हैं, आनंद शर्मा जी ने अभिभाषण पर बोलते बताया है कि भाई देश सबका है और भारत देश सबका है, तो भारत देश के सभी लोगों ने एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी का तो कहना था कि देश में तो दो ही पार्टी होनी चाहिए, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। मतलब बाबा साहब के टाइम पर उन्होंने कोशिश की थी, मतलब दो ही पार्टी होनी चाहिए, लेकिन ठीक बात है, अभी बहुत सारी पार्टियां है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास करने का काम हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों ने भी काम किया है, लेकिन जो अधूरा काम था वो काम हमने पूरा किया। जब लोगों ने हमको मौका दे दिया, नरेंद्र मोदी जी को भारी होटों से, मतलब 282 सीटों से 2014 में मतलब सत्ता में भी बिठाया, 2019 में 303 में सत्ता में भी बिठाया, अभी 2024 में 404 में सत्ता में बिठाएगी। मतलब ये आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा, जिस तरह हमारा आंकड़ा बढ़ता जाएगा वैसा तुम्हारा आंकड़ा कम कम होता जाएगा, और इसीलिए ठीक बात है। तो लोकतंत्र में जो भी है, मतलब जो समाज जो है, लोग जो है ये जो करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं है खाली, ये तो खाली राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं है, ये तो मोदी जी के सरकार के विकास का अरसा है, ये तो मोदी जी के विकास का अरसा है, उसमें अनेक योजनाओं का बारिश बरसा है। हरियाणा में तो सिरसा है, आदिवासी का नेता मुंडा बिरसा है, और इसलिए मतलब हम सब लोग जो जाति के लोग हैं उनको जोड़ने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी का भी मतलब जिक्र किया गया है, और बाबा साहब अंबेडकर जी ने देश को जोड़ने की बात बताई है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने जातिवाद को खत्म करने की बात बताई है, महात्मा गांधी जी ने भी जातिवाद को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की थी, और लेकिन कांग्रेस पार्टी को जातिवाद खत्म करने का मौका में मिला था, लेकिन वो मौका अपने छोड़ दिया, और इसीलिए लोगों ने आपको छोड़ दिया। माननीय मंत्री जी, मतलब जो इसी तरह मतलब आपने काम किया है और आपने भी अच्छा काम किया है,
जब अच्छा काम किया था तब आपको लोगों ने सत्ता में बिठाया, जब गलत काम हुआ तब लोगों ने हमको सत्ता में बिठाया, तो मतलब ये लोकतंत्र में होते रहता है। कंक्लूड करिए माने, और इसीलिए मतलब अभी हमको तो नहीं नहीं, जो समय हमारे पास है वो समय आपने 5 मिनट ऑलरेडी बोल लिया, आपने 5 मिनट बोल लिया, प्लीज कंक्लूड, अदर्स आर देयर, आई हैव टू कीप देम आल्सो ओपन प्लीज। हां तो मैं बताना चाहता हूं कि एनडीए सरकार को मत दे दो गाली, एनडीए सरकार को मत दे दो गाली, नरेंद्र मोदी जी तो है सबके वाली, एनडीए को तो मत दे दो गाली, नरेंद्र मोदी जी तो है सबके वाली, कांग्रेस की आ गई है रात काली, कांग्रेस की आ गई है रात काली, और कांग्रेस वालों हमको दे दो ताली। प्लीज प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। नरेंद्र मोदी जी के कारण, सभापति महोदय, नरेंद्र मोदी जी के कारण दलित राष्ट्रपति बना, नरेंद्र मोदी जी के कारण दलित राष्ट्रपति बना, ऊंचा हो गया सारे दलितों का सीना, ऊंचा हो गया सारे दलितों का सीना, देश का विकास नहीं हो सकता है मोदी जी के बिना, देश का विकास नहीं हो सकता है मोदी जी के बिना, मोदी जी के सुविधाओं से अच्छा हुआ है सभी का जीना, और इसीलिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, आपका भी साथ हमको चाहिए, और आप उधर ही रहो, हम तो इधर ही है, और आपके साथ से ही हम आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र में अपोजिशन होता ही है, और अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए, लेकिन उतना तगड़ा नहीं बन पा रहा है, अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए लेकिन अपोजिशन नहीं है तगड़ा, थैंक यू, अपोजिशन नहीं है तगड़ा, इसीलिए हो रहा है झगड़ा, थैंक यू। अब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊं, इसीलिए ठीक बात है, इसीलिए अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं, और हम सब लोग मिलकर, आप लोग आनंद शर्मा जी अगर आप हमारे साथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने बोला कि भाई हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो आप तो उधर है, उधर ही आप रहो, अगर उधर रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब थैंक यू, ठीक बात है, तो आपने अच्छी भूमिका रखी है लोकतंत्र में, अपोजिशन को माननीय राकेश सिन्हा, और माननीय राकेश सिन्हा, माननीय अठावले जी प्लीज प्लीज, माननीय राकेश सिन्हा।